नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम आपको इटावा लोकसभा सीट के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक पक्षों से अवगत कराएंगे। इटावा लोकसभा सीट सर्वप्रथम 1957 में अस्तित्व में आई, अर्थात देश में संपन्न हुआ दूसरा आम चुनाव इस सीट के लिए पहला आम चुनाव था। इटावा लोकसभा सीट का क्रमांक 41 है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए वर्तमान में आरक्षित है। यमुना नदी के तट पर बसा हुआ यह शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इटावा लोकसभा सीट की सीमाएं फतेहपुर सीकरी, अकबरपुर, मैनपुरी, कन्नौज तथा जालौन लोकसभा सीटों के साथ लगती हैं। इटावा संसदीय क्षेत्र के दक्षिणी भाग से यमुना एवं चंबल दो प्रमुख नदियां बीहड़ का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती हैं। साथ ही चंबल नदी इटावा एवं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मध्य सीमा का भी निर्धारण करती है। इटावा लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि इस प्रकार हैं: इटावा, भरथना, दिबियापुर, औरैया तथा सिकंदरा। जिनमें से इटावा भरथना विधानसभा सीट इटावा जिले के अंतर्गत आती है, जबकि दिबियापुर एवं औरैया विधानसभा सीट जालौन जिले के अंतर्गत आती है तथा सिकंदरा विधानसभा सीट कानपुर देहात जिले के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से इटावा लोकसभा क्षेत्र का विस्तार इटावा, औरैया तथा कानपुर देहात तीन जिलों के अंतर्गत विस्तृत है। आइए हम लोग नजर डालते हैं यहाँ के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की ओर। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 23,75,000, ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर आपको बताते चले लगभग 76%, नगरीय जनसंख्या लगभग 23.5%, कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 17 लाख, अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 27%, मुस्लिम आबादी लगभग 10%, साक्षरता लगभग 78.5% व लिंगानुपात 870 है। आइए हम लोग नजर डालते हैं यहाँ पर संपन्न हुए अभी तक के सभी आम चुनावों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। यहाँ पर जो दूसरा आम चुनाव देश में संपन्न हुआ वह इस सीट के लिए पहला आम चुनाव था। तो दूसरी लोकसभा सीट के जो चुनाव थे उसके अंतर्गत यहाँ पर दो सीटें हुआ करती थी। 1957 में संपन्न हुए दूसरे लोकसभा चुनाव में यहाँ से अर्जुन सिंह भदौरिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से व रोहन लाल चतुर्वेदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी होते हुए लोकसभा पहुंचे। 1962 में संपन्न हुए तीसरे लोकसभा चुनाव में जीएन दीक्षित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए। 1967 में चौथे लोकसभा चुनाव में अर्जुन सिंह भदौरिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विजयी हुए। 1971 में पांचवें लोकसभा चुनाव में श्री शंकर तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विजयी हुए। अर्जुन सिंह भदौरिया भारतीय लोकदल से 1977 में संपन्न हुए छठे लोकसभा चुनाव में विजयी हुए। 1980 में संपन्न हुए सातवें लोकसभा चुनाव में राम सिंह शाह की जनता पार्टी से विजयी हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रघुराज सिंह चौधरी 1984 में आठवें लोकसभा चुनाव के अंतर्गत विजयी हुए। 1989 में संपन्न हुए नौवें लोकसभा चुनाव में राम सिंह साक की जनता दल से विजयी हुए। 1991 में दसवें लोकसभा चुनाव में काशीराम बीएसपी से विजयी हुए और यहां पर बीएसपी का खाता खोला। 1996 में ग्यारहवें लोकसभा चुनाव में राम सिंह साक की जनता दल से विजयी हुए। 1998 में बारहवें लोकसभा चुनाव में सुखदा मिश्रा यहाँ से बीजेपी से विजयी हुई। 1999 में व 2004 में संपन्न हुए क्रमशः 13वें एवं 14वें लोकसभा चुनाव में रघुराज सिंह साक की समाजवादी पार्टी से लगातार दो बार विजयी हुए। 2009 में संपन्न हुए 15वें लोकसभा चुनाव में प्रेमदास कठेरिया समाजवादी पार्टी से विजयी हुए। 2014 में संपन्न हुए 16वें लोकसभा चुनाव में अशोक कुमार दोहरे बीजेपी से विजयी होते हुए इस सीट पर दूसरी बार विजयी हुए। आइए हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक बार विजयी होने वाले प्रत्याशियों की। यहाँ से अर्जुन सिंह भदौरिया 3 बार, राम सिंह साग के 3 बार, रघुराज सिंह साग के 2 बार, काशीराम यहाँ पर 1 बार जीतने में सफल हुए। यहाँ पर अब तक एक महिला प्रत्याशी जीतने में सफल हुई है। इस सीट से अभी तक कोई भी प्रत्याशी जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाया है। आइए हम लोग देखते हैं पार्टी वाइज यहाँ से कौन विजयी हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ से 4 बार, समाजवादी पार्टी यहाँ से 4 बार, बीजेपी यहाँ से 2 बार तथा बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ से 1 बार विजयी होने में सफल रही है। आइए हम लोग नजर डालते हैं यहाँ पर 2014 में संपन्न हुए आम चुनाव की ओर। तो बीजेपी से अशोक कुमार दोहरे 4.5 लाख वोटों के साथ लगभग 46% वोटों के साथ पहले स्थान पर थे और वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं। दूसरे स्थान पर प्रेमदास कठेरिया समाजवादी पार्टी से थे, जो 28% वोटों के साथ थे। बीएसपी से अजय पाल सिंह जाटो यहाँ पर 20% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर। हंस मुखी कोरी यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लगभग 1.5% वोटों के साथ चौथे स्थान पर थे। आइए हम लोग बात करते हैं 2019 में संपन्न होने वाले आगामी 17वें लोकसभा चुनाव में किस प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ पर राम शंकर कठेरिया को बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है, कमलेश कठेरिया को यहाँ पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अशोक कुमार दोहरे को प्रत्याशी बनाया है और शंभु दयाल दोहरे को यहाँ पर पीएसएल से प्रत्याशी बनाया गया। धन्यवाद।